कैथल में मुख्यमंत्री द्वारा गोद लिए गांव केवड़क में पंचों द्वारा इस्तीफा देने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक के बाद एक अब तक 9 पंच इस्तीफा दे चुके हैं, जिसके चलते आज वार्ड नंबर 15 के पंच राजकुमार ने भी अपना इस्तीफा उपायुक्त को सौंप दिया। ग्रामीण मुख्यमंत्री से तो खुश हैं, लेकिन सरपंच व प्रशासन से नाराज हैं, क्योंकि ग्रामीणों का मानना है कि मुख्यमंत्री द्वारा विकास के लिए खूब पैसा दिया जा रहा है, परंतु सरपंच द्वारा गोलमाल किया जा रहा है। गाँव केवड़क का जो मामला है कि आज 10वें पंच ने भी इस्तीफा दे दिया, इन लोगों का कहना है कि प्रशासन ढिलाई बरत रहा है, सरपंच को बचाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसकी इंक्वायरी जो है वो जारी है, उसकी इंक्वायरी रेगुलर इंक्वायरी करवाई जाएगी और पंचायत से भी जो है डिस्कशन अभी जो है किया जाएगा, जो भी उसको कानूनी जो दावों पेच होते हैं वो सारे दूर करके फिर ही कार्रवाई की जाएगी। आज कोई 2000 रुपये की रिश्वत लेता तो पुलिस अंदर डाल देती है, लेकिन करोड़ों का मामला है, कोई गौर नहीं करता। अभी ये तो जांच में आएगा कितना करोड़ों का है या लाखों का है, ये तो जांच में ही तो पता चलेगा। जो पिछली रिपोर्ट में दोषी पाया गया? नहीं, पिछली रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा कोई क्लियर कट कॉन्स्टेबल नहीं थी, उसमें ये था कि पुरानी कई तो चीज़ें जो है मार्का वाली नहीं लगाई हुई थी, यही आरोप थे उसमें कि कुछ तो मार्का वाली है, कुछ बिना मार्के वाली है, इस तरह के कुछ आरोप लगाए गए या कुछ पुराने ईंटें लगाए हुए थे। एग्जैक्ट उसमें ट्रम्प जो है मैं वो नहीं, उसमें लिखा हुआ था कितने का नुकसान जो उसने किया है। और पवन सिंह, गांव केवड़क, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत केवड़क, वार्ड नंबर 15 से पंचायत मेंबर हूँ। और मैं गांव के जो गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ, उससे आहत होकर के पहले जो 9 पंचों ने, मेरे साथियों ने इस्तीफा दिया है, उसी कड़ी में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। माननीय उपायुक्त महोदय, देखो अभी इस पत्रकार वार्ता के बाद डीसी साहब को इस्तीफा देने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 15 ग्राम पंचायत केवड़क, गांव में भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे गांव श्री मनोहर लाल जी खट्टर सीएम हरियाणा ने गोद लिया हुआ है। हमारे गांव में इतनी धनराशि सीएम साहब ने दी है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन प्रशासन और सरपंच की मिलीभगत से ग्राउंड लेवल पे वो राशि पूरी नहीं लगाई जा रही। गांव में अव्यवस्था का माहौल है, गांव में सफाई पर कोई ध्यान नहीं है, गांव में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बेइज्जती की जाती है, किसी को साथ लेके नहीं चला जा रहा। गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, जब उनसे कोई भी आदमी सवाल करता है ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको दबकाया जाता है। एक टीम गठित की हुई है जो प्रेशराइज करती है लोगों को, आवाज़ उठाने वालों को दबाया जाता है। कौन दबा रहा है? ये सरपंच के बंदे हैं जी, सरपंच भी उनके साथ मिला हुआ है, सरपंच से बलकार आ रही है जी। जो मेंबर पंचायत है वो बिल्कुल पंचायत के साथ हैं, पंचायत के साथ थे, लेकिन अब भ्रष्टाचार से आहत होकर के 10 मेंबर हो गए। हम 9 पहले इस्तीफा दे चुके हैं, आज मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ। गांव में इतना भ्रष्टाचार है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और गांव में जो विजिलेंस टीम आई थी, जो गांव में पहले 9 पंचों को इस्तीफे देने के बाद गांव में विजिलेंस टीम आई थी, विजिलेंस टीम आने के बाद जब इंक्वायरी पे गई तो गांव के कुछ लोग शरारती तत्व जो सरपंच के साथ थे, रोड़ा करके विजिलेंस टीम को वापसी भेज दिया गया। लेकिन विजिलेंस टीम के साथ जो सुपरिटेंडेंट थे नरेश कुमार जी, उन्होंने ये किया था भाई नेक्स्ट वीक आएंगे, हम टेक्निकल टीम साथ लेके आएंगे, फिर जांच करेंगे। उस दिन वो आए, उनके पास कोई पेपर नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई दस्तावेज नहीं था, कोई फित्ता नहीं था, कोई टेक्निकल टीम नहीं थी उनके साथ। जब टेक्निकल टीम साथ ही नहीं थी तो इंक्वायरी किस चीज़ के लिए आए थे? वो लिपा पोती के लिए। प्रशासन, जो स्थानीय प्रशासन है और कुछ छुटवैया लीडर सरपंच की मदद कर रहे हैं जो इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, स्थानीय प्रशासन उसकी पूरी मदद कर रहे हैं। ऐसा कौन सा छुटवैया लीडर है जो आपको? मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो अपने आप को लीडर कहते हैं लेकिन वो लीडर नहीं है, वो सीएम साहब को गुमराह कर रहे हैं। वो बाहर के भी हो सकते हैं, हल्के के भी हो सकते हैं। ये भ्रष्टाचार कितने टाइम हो रहा है? भ्रष्टाचार काफी टाइम से हो रहा है। भ्रष्टाचार जब पता लग गया, जब मैंने आरटीआई के द्वारा 2016 में आरटीआई लगाई और 17 में मेरे पास उन्होंने डॉक्यूमेंट भेजे और मैंने मौके पे जाके देखा, जैसे उन्हें 1,61,00,000 की रिपेयर दिखाई है, पर उन्होंने जब मैंने मौके पे दिखाया और 9 पंचायत मेंबरों को दिखाया मौके पे जाकर, ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ गाँव में
जो उन्होंने रिकवरी दिखाई है ऐसी कोई रिकवरी नहीं हुई गांव में, और जो रिकवरी दिखाई गई है उनमें 1,20,00,000 का घोटाला है टोटल। हमारे तालाब जब सीएम ने गोद लिया गांव में घोषणा करी थी भाई सीवरेज बिछना है, तो उसके बाद पब्लिक हेल्थ ने उन पर लेटर भेजा, लेटर आने के बावजूद भी सरपंच ने वहाँ रिपेयर दिखाई, उसका तो उचित ही नहीं बनता। बर्द सारा गांव पटेगा कौन देखेगा, प्रशासन के साथ मिलकर उन्होंने सारी रिपेयर दिखाई है, और जितनी भी गोई हैं जो रास्ते हैं खेतों के उन्होंने वहाँ पिल्ले तोड़े ईंट और सारी पिल्ली लगा रखी हैं, आज तक वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक बड़ी वीडियो गया मौका पर वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस तरह की कमी पाई गई आपने देखा गलियों के अंदर? गलियों के अंदर ब्लॉक कम और मटेरियल लूज मटेरियल लगाया गया, और जैसे 12,000 ब्लॉक में से 4,413 ब्लॉक लगाए गए, 20,000 ब्लॉकों में से 6,006 ब्लॉक लगाए गए, इसी तरह सब जगह यही दिखा रखे हैं उन्होंने, कहीं 12,000 कहीं 20,000 कहीं 15,000 ब्लॉक दिखा रखे हैं, लेकिन मौका पर ऐसा कुछ नहीं है। सेक्ट्री में लिप्त है ग्राम सभा की जो दो मीटिंग हुई है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पंचायत विभाग से जुड़े हुए वो इसके अंदर सारे लिप्त हैं, वो सबके मिलीभगत से काम हो रहा है, सेक्ट्री भी उसमें है, वीडियो भी है उसमें, जेई साहब भी है उसमें, लेकिन जो सीएम साहब की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है उसको प्रशासन सरपंच के साथ मिलकर डेवलप नहीं कर रहा, उसको लागू नहीं की जा रही, सरपंच सीएम साहब को गुमराह किया जा रहा है, उनको सही रिपोर्ट नहीं दे रहा स्थानीय। वो भाई साहब दो ही रिपोर्टें आई हैं ना, रिपोर्टें बहुत है गांव में, भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है। अब सुनो एक मिनट मेरी बात सुनो, हमारे तालाब की बोली हुई थी, एक एक पार्टी ने 1,00,000 रुपए कैश और 10,00,000 रुपए का चेक दिया था एज ए सिक्योरिटी, उसको टेंडर दे दिया गया, वो छोड़ के चला गया, भाग गया वो,